Assalamu alaikum Guru Gang, welcome back. This is Guru Wala Girgir Shuru. Hope you guys are having an amazing day, just like the other day. तो अभी AC बंद कर रहा हूँ. आज का जो व्लॉग है, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है. बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक हॉर्स राइडिंग क्लब है, फुर्सिया क्लब. तो यहाँ पे हमारी टीम, वी आर इन्वाइटेड. तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे. तो हमारे दोस्त साहब है अबू हमूदा, वेलकम. यू शुड से शुक्रिया. थैंक यू. नो, शुक्रिया. शुक्रिया. हाँ, मैं हिंदी का दोस्त हूँ. हाँ, सब कुछ अल्लाह से होता है. सब कुछ अल्लाह से होता है, बिल्कुल बेशक. तो ये है कि अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं. मैं अबू हमूदा, हमारी टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है, क्योंकि हम लोग टाइम से पहले आना था तो बाइक्स लेके आए. मैं बोला कि यार बाइक का मूड नहीं है, अभी मौसम बड़ा बढ़िया चल रहा, ठंडा है, पर मेरा मूड नहीं है चलाने का. तो हम लोग अंदर जाएंगे, वहां पे जाके शूट करेंगे, देखेंगे, बाइक राइड करेंगे, एंजॉय करेंगे, और आप लोगों को एज यूजुअल क्या दिखाऊंगा, झलकियां. चलो, दिख रहा आप लोगों को मेरे पीछे ये घोड़े हैं, और जो घोड़ों की रेस होने वाली है यहाँ पे, समझ गए ना. तो तो ये बेसिकली फर्स्ट प्लेस पे आया हुआ घोड़ा ये, एंड माशाल्लाह तबारकल्लाह मबरूक. मगर अपने जैसे को अगर उन्हें लात मारा तो बेचारे का पैर सूज जाएगा ना. बीस नंबर. अच्छा जी भाई, मीर भाई बोले थे कि 13 नंबर आता और मैं बोला था 20 नंबर आता, मगर दोनों के भी रेस घोड़े जीते. आपका आगे से जीता, मेरा 13 नंबर आगे से आया, 20 नंबर लास्ट में आया. नॉट गुड. चलो ऊपर थैंक यू. अरे कुत्ता नहीं है, स्कूबी डू है. तो आप लोगों को मेरा यहाँ तक ख्याल है, अब नहीं है तो नहीं है. तो घर आ गए हम वापस, और आज की जो बेहतरीन सी जर्नी थी हमारी, जो हम शो में गए थे जहाँ पे घोड़ों की रेस थी. तो मुझे बताओ यार, इसमें अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, इनमें से कौन कौन हॉर्स राइड कर चुके हैं, और किसका शौक है ये, किसके पास घोड़े हैं, कमेंट करके बताना.
और रही बात जिसको नहीं मालूम है, मैं आपको इतना बता दूं क्योंकि भाई मैं अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो मैं हॉर्स राइड कर चुका हूं इन द पास्ट, ठीक है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये होता कि ये समझो कि अब एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ये घोड़ा है, ओके। ये जब घोड़ा होता, आप ऐसे जब बैठते इसके ऊपर, ठीक है, तो घोड़े को ऐसा कस के पकड़ना है पैरों से, ठीक है, ऐसा घोड़े को कस के पकड़ना है। फिर जब आप ये पकड़ेंगे तो आपके हाथ में ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये एंगल होता है डोरी का। मेरे पास है नहीं पर मैं एक वायर लेके बताता हूँ, ठीक है, ये है डोरी, जब आप घोड़े की लगाम जब आप पकड़ते हैं, ओके। जब आप लगाम पकड़ते हैं तो बाज लोग तो एक हाथ से ही पकड़ते हैं, वो ऐसे है। ये पकड़ने से बेसिकली ये है कि आप घोड़े की लगाम को खींच रहे राइट या लेफ्ट, आई बात समझ में। अगर आप उसको टर्न करना है राइट, लेफ्ट पे जाना है तो लेफ्ट, और अगर आपको घोड़े को रोकना है तो आपको पीछे खींचना है, पीछे के तरफ। तो अगर कभी आप गलती से भी घोड़े पे बैठ जाते हो और घोड़ा बेकाबू होता है तो आप लगाम को पीछे के तरफ खींचो, अपने सीने के तरफ, ठीक है। इससे ये होता कि उसकी जब गर्दन ऊपर होती तो घोड़ा रुक जाता, और मेक श्योर कि अगर वो ऊपर की तरफ जंप कर रहा तो आप आगे की तरफ लीन हो जाइए, ठीक है, पीछे नहीं आना है। पीछे जाएंगे तो आपका मिसबैलेंस हो जाएगा और घोड़ा आपको अच्छे तरीके से गिरा सकता है। आपको आगे की तरफ पुश करना है अपने आप को। जब लगाम आप खींचेंगे तो जैसा कि होता ना कि आप जमीन के ऊपर लेटे हुए और रस्सी पकड़ के आप ऊपर हट रहे, तो उसी तरीके से आपको आगे की तरफ जाना है। इस तरीके से आपका घोड़ा आपके काबू में आता है, और मेक श्योर दैट कि आपकी राइड बहुत स्मूथ हो, जोर से नहीं खींचना है, बड़े प्यार से स्मूथली। और घोड़े की अगर रफ्तार चाहिए, एक से झटका दो लगाम का, और अगर आपके हाथ में एक वो होता नहीं है बेसिकली हंटर टाइप वाला छड़ी टाइप, बस आपको उससे मारना है, या नहीं अगर आपको घोड़े को रोकना है तो आपके पैरों में भी आपके जो लॉक्स होते हैं ना जिसके अंदर आप पैर डालते, उससे भी आप उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है, चलने के लिए जो होता ना, आप उसको पैरों से पुश करेंगे तो वो आगे जाएगा, ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो रुका हुआ रहेगा। तो आपको पैरों से उसको पुश करना है, होल्ड इट टाइटली जितना हो सके, घोड़े को आपको कस के पकड़ना, जैसे हम लोग किसी को हक करते हैं तो हाथ कैसे करते हैं, उसी तरीके से आपको पैरों से भी उसको दोनों तरफ से टाइट पकड़ना है, और जब घोड़ा को चलाना है तो आप एक पैर से उसको मारिए, घोड़ा आगे निकलना शुरू होता। तो यही है कि आज का जो बेहतरीन सा ब्लॉग था, आप लोगों को आई एम श्योर पसंद आया होगा। किसी को हॉर्स राइड करना है तो भाई जिद्दा में भी है, ये असफान में है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, ठीक है, आप जाते हैं। बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वहाँ पे, बच्चों के लिए भी है। अब मैं वो हिस्से में गया नहीं क्योंकि वहाँ पे फैमिली थी और दूर थे, तो मैं बोला कि नहीं यार मैं यहीं पर रहता हूँ इतना ही, क्योंकि आज जो कॉम्पिटिशन था बेसिकली इट वॉज नॉट ए ट्रेनिंग सेशन। हम सोच के गए थे कुछ और होगा बोल के, बट मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया कि वहाँ पे रेस हो रहा है और घोड़ों की रेस हो रही है, तो जो हमारा लकी नंबर था वो बेचारा लास्ट में आया, नहीं मतलब जो मैं सेलेक्ट करा था नंबर वो लास्ट में आया, पर जो मेरा लकी नंबर था जो कि ऑलरेडी मैं पहले बोल चुका था वो फर्स्ट आया। और तो भाई इसी तरीके से जिस तरीके से घोड़े दौड़ रहे थे उसी तरीके से हमें भी दौड़ना है, जिंदगी की रेस में आगे निकलना है, किसी को पीछे करना है, किसी से आगे होना है या किसी से जीतना है, मगर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप देख लो घोड़े अपनी ही रेस में लगे हुए हैं, तो आपको भी अपनी ही रेस में लगे हुए रहना है, जीत हार लगी जुड़ी है, ठीक है। तो आज जो जीता शायद वो कल जीतेगा हारेगा, कल जो जीत हारा वो शायद परसों जीतेगा, शायद उसके अंदर वो जज्बा आ जाए। तो यही है कि यार लाइफ में ना इट्स ऑल अबाउट एज यूजुअल आई से गिव एंड टेक सिचुएशन, एंड हार जीत लगी हुई है, नो वन विल बी स्टेबल फॉर नंबर वन फॉर लाइफ लॉन्ग। अगर आपको लाइफ लॉन्ग रहना है तो बहुत कड़ी मेहनत करना है, और वो बहुत कड़ी मेहनत करते रहो। तो आपको क्या करना चाहिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। और भाई लोग दूसरी चीज़ आपको ये भी करना है कि मेरे वीडियो के ऊपर बेल के ऊपर क्लिक करो तो आपको मेरे वीडियोज़ मिलेंगे, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो को शेयर भी करना है। भाई शेयर भी करिए ना यार, थोड़ी सी मेहनत नहीं हो रही आप लोगों से, थोड़ा सा शेयर कर लो, आपके भाई की हेल्प आउट हो जाएगी।